को भी नहीं मोड़ पा रही ना, इसलिए ज्यादा दम हो रहा है। मैं हूँ मिशी खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिशी खान कराची। तो आज मैं घर की करने लगी हूँ सफाई। घर की हालत देखें क्या हो रही है। तो सुबह भी स्कूल चली गई थी, वापस आई तो कंबल वगैरह वैसे ही पड़े हैं, और ये पर्दे जो है उस दिन मैंने धोए थे तो यहाँ लगाने हैं मैंने प्रेस करके भी पर्दों को भी। और थोड़ी सी जो है मट्टी मट्टी हो रही है तो डस्टिंग भी करूंगी। काफी सारे जो है लोग कह रहे थे कि आप अपनी लाइफ स्टाइल शेयर करें हमसे, अपना घर दिखाएं। तो मेरा घर बहुत छोटा सा है, लेकिन ये है कि बस आज सफाई भी करते हैं और साथ साथ आपसे बातें भी करते हैं। कपड़ा दे रहा हूँ, उससे झाड़ देती हूँ, बहुत ज्यादा जो है डस्टिंग डस्टिंग हो रही है बहुत ही। हर चीज पे मट्टी मट्टी हुई हुई है। 2 दिन अगर सफाई ना हो, इस तरह से कपड़ा ना लगाया जाए तो डस्टिंग ना की जाए तो इतनी मट्टी होती है यहाँ पे। घर छोटा सा है लेकिन जरूरत की हर चीज है, बस घर थोड़ा छोटा है। हर चीज है माशाल्लाह, घर में इस्तेमाल की हर चीज है, लेकिन ये है कि छोटी सी फैमिली है। फैमिली भी हमारी बड़ी नहीं है, मैं, इनके पापा और कैफ, बस हम 3 लोग ही हैं। सब कुछ बिखरा हुआ होता है ना, सुबह जैसे छोड़ कर जाते हैं, ना कंबल तय होते हैं ना कुछ के, बस सुबह जल्दी जल्दी मैं उठ के बस नाश्ता बनाती हूँ, कैफ को तैयार करती हूँ, खुद रेडी होती हूँ, स्कूल चली जाती हूँ, फिर अभी आके सब कुछ जो है साफ करना पड़ता है। मौसम तो वैसे अब चेंज हो गया है, ठंड नहीं रही है, लेकिन रात को जब पंखा लगाओ तो हल्की फुल्की ठंड जो है महसूस होती है, इसलिए कंबल रखे हुए। इंशाल्लाह ये है कि मौसम चेंज होगा फिर इन कंबल वगैरह को धो के फिर रख दूंगी। कैफ, मैंने आपको एक काम कहा था, आपको कहा था, छोटा सा काम भी नहीं आता। कुछ हद तक सफाई हो गई है साथ साथ मेरी। इंग्लिश में क्या मिला है चैप्टर, क्वेश्चन आंसर याद है ना आपको? पर्दे लगाना सबसे मुश्किल काम है, वो भी यहाँ के मैं लगा देती हूँ और वहां के मुझसे नहीं होते क्योंकि वो बहुत ही ऊंचे हैं। वो मैं जो
हमारा बहुत अच्छा दोस्त है जी, यहाँ इतनी सख्त गर्मी में यही काम आता है। अभी इसको अच्छे से जरा साफ करूंगी, लेकिन इसके मैं रिपेयर के लिए बुलवाऊंगी, क्योंकि 10-15 दिनों में जो है गर्मी स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर इसकी काफी जरूरत पड़ती है, तो थोड़ी सी जो है उसकी सफाई वगैरह जो है उसको बुलवा के रिपेयर करवा दूंगी मैं से थोड़ा सा। थोड़ी देर पहले तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कमरा पता नहीं क्या हो रहा है, देखें आप, थोड़ी सी सफाई हुई है, पर्दे लगने से जो है ना कमरा आधा साफ हो जाता है, क्योंकि पर्दे उतर जाते हैं तो कमरा ऐसे ही बहुत ज्यादा गंदा गंदा सा महसूस हो रहा होता है। तो आज साथ साथ जो है घर की सफाई भी हो गई है, घर भी साफ हो गया है। तो आप लोग भी कहते थे कि आप जो है अपना घर हमें दिखाएं, और कभी खाना पकाना, कभी कहीं बाहर जाती हूँ तो वो भी आपसे शेयर कर देती हूँ। तो आज घर की सफाई भी आपके साथ मैंने शेयर की है। अब आप मेरा कमरा देख लें, आपने थोड़ी देर पहले भी देखा होगा किस तरह था, और आप देखें किस तरह मैंने साफ कर दिया। तो आप देख लें, आपने पहले भी देखा होगा कमरे की हालत क्या हो रही थी, सारा बिखरा हुआ था, पर्दे उतरे हुए थे और बहुत ही ज्यादा डस्टिंग हो रही थी। तो साथ साथ आपसे गपशप भी हो गई और मेरा घर भी साफ हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको जो है मेरी जो है ये सफाई भी लोग पसंद आएगा, आपको मेरा घर जो है पसंद आए, अल्लाह करे आप लोगों को अच्छा लगे कि मैंने घर कैसा रखा हुआ है। तो इसी तरह से मजीद आपके साथ में अपनी वीडियो शेयर करती रहूंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।